A very happy good morning and Jai Hind student. How are you all today? Hope you all are fine. So welcome again to the sociology class with the same chapter, chapter number 2, cultural change. As you know, our revision work is going on. So yesterday we have revised the topic social reform movement in 90s and early 20th century. And sociologist Satish Sabharwal elaborates upon the modern context by sketching three aspects to the modern framework of change in colonial India. जो सतीश सबरवाल एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो सोशल जो हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में कॉलोनियल रूल में जो चेंजेस आए, मॉडर्न चेंजेस किस चीज में, हमारी कल्चर में जो मॉडर्न चेंजेस आने लगे उनका फ्रेमवर्क किस पे डिपेंड था, कैसे वो सोशल चेंजेस आए, है ना? तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हम कल डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो टुडे वी विल डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ आइडियाज. ओके, तो मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था कल्चरल चेंज लाने में, ठीक है, इन कॉलोनियल पीरियड. मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द ब्रह्मो समाज एंड इन बंगाल एंड आर्य समाज इन पंजाब वर सेट. मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने, है ना? किसके लिए? जब उन्होंने सती प्रथा के जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने इस ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, है ना? एंड आर्य समाज, आर्य समाज किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है. द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड इन 1914. और ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस कब बना? 1914 में. ये था अंजुमने खातून इस्लाम. अंजुमने खातून इस्लाम. अच्छा, इसको ना अंडरलाइन कर लीजिएगा. जैसे ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है, ये इंडियन मुस्लिम इन लेडीज कॉन्फ्रेंस है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप इनको अलग से आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है. इंडियन रिफॉर्मर्स डिबेटेड नॉट जस्ट इन पब्लिक मीटिंग्स बट थ्रू पब्लिक मीडिया लाइक न्यूज पेपर्स एंड जर्नल्स. तो जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू की. जैसे कि जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया. दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया. जो मुस्लिम लेडीज थी, उन्होंने अंजुमन खातून इस्लाम के नाम से फाउंडेशन क्रिएट किया. तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती थी अपने जो जो उन्होंने मूवमेंट्स चलाए थे उनको लेकर. और जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, अब वो केवल पब्लिकली ही डिबेट नहीं करते थे, पब्लिकली ही मीटिंग नहीं करते थे, वो साथ साथ जो अपने विचार थे, अपनी जो आइडियाज थे, उनको मीडिया के थ्रू भी पब्लिश लोगों तक पहुंचाते थे. जैसे कि न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिख के, जर्नल्स में आर्टिकल्स लिख के वो उनको पब्लिक तक पहुंचाते थे, क्योंकि ये दूर दूर तक जाता था, है ना. और ट्रांसलेशंस ऑफ राइटिंग्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम वन इंडियन लैंग्वेज टू अनादर टुक प्लेस. और जो राइटिंग्स थी, जो ये लोग लिखते थे, जो ये रिफॉर्मर्स थे, उनके जो विचार थे उनको या फिर उनकी बुक्स को किसी दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जा सकता था. जैसे कोई हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो कोई मराठी लैंग्वेज की कोई बुक है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट ट्रांसलेट कर लिया, या इंग्लिश की कोई बुक को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया, है ना. फॉर इंस्टेंस, विष्णु शास्त्री पब्लिश द मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन इंदु प्रकाशन इन 1868. देखो, जैसे कि विष्णु शास्त्री जी ने मराठी ट्रांसलेशन किया विद्यासागर जी की बुक का, है ना. तो इसी तरीके से जो उनके विचार थे, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने लगे, लोगों में इस तरीके से कह सकते हैं जागरूकता आने लगी उन चीजों को लेकर, जो सोशल इवल्स थी उनको लेकर जागरूकता. तभी तो ये जितने भी हम कह सकते हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको इतनी पावर मिली, वो इतना सक्सेसफुल हो पाए, है ना.
न्यू आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम, न्यू आइडियाज ऑफ होम मेकिंग एंड मैरिज, न्यू रोल्स ऑफ मदर्स एंड डॉटर्स। अब जो न्यू आइडियाज थे लिबरलिज्म के, फ्रीडम के, जो कि हमें कहां से मिले थे, इंग्लिश लिटरेचर से, है ना, तो उनकी वजह से न्यू होम मेकिंग, न्यू आइडियाज थे होम मेकिंग के, जो कि एक स्टीरियोटाइप रोल था जो वुमन के लिए कि ये होम मेकर ही है, या फिर मैरिज को लेकर जो एंडोगेमियस मैरिजेस थी या फिर वुमन रीमैरिज थी, उनके लिए लोग वर्क करने लगे, उनके लिए कह सकते हैं कि आवाज उठाने लगे, है ना, न्यू रोल्स फॉर मदर्स एंड डॉटर्स। और जो मदर और डॉटर्स थी जिनको कि ये कहा जाता था ये घर की जो चार दीवारी हैं उसके अंदर ही रहें, और जो पर्दा प्रथा थी ये सब चीजें जो थी अब उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जाने लगे, उनको हटाने की मांग की जाने लगी, उन है ना। न्यू आइडियाज ऑफ सेल्फ कॉन्शियस प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशन इमर्ज्ड। और साथ ही साथ हमें ये जो लिबरलिज्म फ्रीडम का जो आइडिया था हमें जो मिला, उसकी वजह से जो सेल्फ कॉन्शियस का जो एक प्राइड का जो एक फीलिंग थी वो लोगों में आई, और इससे किसको पावर मिली, जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको पावर मिली, है ना। द वैल्यू ऑफ एजुकेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एजुकेशन की वैल्यू थी वो बढ़ने लगी, वो सबके लिए बढ़ने लगी, वो चाहे वुमन हो, वुमन एजुकेशन पे भी जोर दिया जाने लगा, है ना। ये समझा जाने लगा कि जो एजुकेशन के थ्रू ही जो हमारा जो इस समय स्तर है सोसाइटी का उसको ऊंचा उठाया जा सकता है, ठीक है। इट वॉज सीन एज वेरी क्रूशियल फॉर अ नेशन टू बिकम मॉडर्न बट ऑल्सो रिटेन इट्स एंशियंट हेरिटेज। और एजुकेशन के थ्रू ही ये सोचा जाने लगा कि जो हमारा जो नेशन है उसकी जो समय जो स्टेज है उसको ऊपर उठाया जा सकता है, किस, है ना, और जो हमारी एंशियंट हेरिटेज है उसको हम अपने कंट्री को मॉडर्न बनाएं विचारों के साथ साथ, है ना, और जो हमारी इंडियन हेरिटेज है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारी कल्चर है, उसको भी बचाया जा सके, है ना, थ्रू किस, ये किससे होगा, एजुकेशन से। तो ये विचार जो थे उस समय इमर्ज हो रहे थे, है ना। द आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन वॉज डिबेटेड इंटेंसली, और जो फीमेल एजुकेशन का के विचार थे उनको लेकर भी डिबेटेड होने लगी कि भाई जो फीमेल एजुकेशन है, जो वुमन एजुकेशन है, इट इज नीडेड फॉर द सोसाइटी, है ना। सिग्निफिकेंटली इट वॉज द सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले हु ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमन इन पुणे। ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने फर्स्ट स्कूल ओपन किया था किसके लिए, देखिए ज्योतिबा फूले हैं, है ना, इनकी पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे। उन्होंने पहला स्कूल बनाया था वुमन के लिए, कहाँ पे, पुणे में, ठीक है। रिफॉर्मर्स आर्ग्यूड दैट फॉर अ सोसाइटी टू प्रोग्रेस वुमन हैव टू बी एजुकेटेड। रिफॉर्मर्स आर्ग्यूज दैट फॉर अ सोसाइटी, की सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटी को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसको मॉडर्न बनाने के लिए किसकी नीड है, वुमन एजुकेशन की नीड है ना। सम ऑफ देम बिलीव दैट इन अ प्री मॉडर्न इंडिया वुमन वर एजुकेटेड। कुछ लोग का कहना था कि जो प्री मॉडर्न में, ये तो ठीक है कि जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी जो उसमें जो वुमन थी वो एजुकेटेड होती थी, वो अपाला है, गार्गी है, ये जितने भी वो हैं, ये सब उस टाइम की जो एजुकेशन थी उसके हिसाब से वेल एजुकेटेड थी, है ना, उनको सभी जो शास्त्र थे उनका ज्ञान था, है ना। अदर्स कंटेस्टेड दिस ऑन द ग्राउंड दैट दिस वॉज सो ओनली ऑफ अ प्रिविलेज, और अदर जो प्रिविलेज व्यू, और अदर जो लोग थे उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है, सबके लिए एजुकेशन नहीं थी, ये सिर्फ कुछ ही के लिए ये जो दी गई थी, ये जो अधिकार थे वो केवल कुछ को ही दिए गए थे एजुकेशन को लेने का, है ना। दस अटेम्प्ट इट जस्टिफाई फीमेल एजुकेशन वर मेड बाय रिसोर्सेज टू बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आइडियाज। और ये जितने भी अटेम्प्ट थे जो सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा किए जा रहे थे वुमन एजुकेशन को लेकर, वो जो कि जस्टिफाई करते थे कि वुमन एजुकेशन सोसाइटी के लिए नीडेड है, होनी चाहिए, है ना,
तो उससे टू टाइप के जो आइडियाज थे वो निकल कर आए. कुछ थे जो कि चाहते थे कि वुमन को मॉडर्न एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ कहते थे कि नहीं, ये ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो ही जो वुमन है उनको मिलनी चाहिए. यानी कि जैसे होम मेकिंग किस तरीके से की जाती है, चाइल्ड केयर किस तरीके से घर को संभाला जाता है ना, तो वो सारे जो कह सकते हैं कि ट्रेनिंग वुमन के लिए होनी चाहिए जो ट्रेडिशनल आइडियाज थे. और जो मॉडर्न थे वो कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन जो है वो वुमन को मिलनी चाहिए, है ना. दे एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. ये जो डिबेट थी एक्चुअली किसके बीच थी, मॉडर्निटी और ट्रेडिशनलिटी के बीच है. जो लोग मॉडर्निटी को फॉलो करते थे जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, है ना, तो वो उनका कहना था कि जो वुमन है उनको मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए. लेकिन जैसे कि दयानंद सरस्वती थे वो ट्रेडिशनलिटी को बिलीव करते थे, तो उनका कहना था कि ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग है या फिर एजुकेशन है उस हिसाब से वुमन का एजुकेशन मिलनी चाहिए. ठीक है. द वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिड हैव कॉमन थीम. जो हमारे रिफॉर्म मूवमेंट थे उस समय चल रहे थे, बहुत सारे थे, लेकिन मोस्टली जो थीम थी सबकी कॉमन थी कि जो सोशल इवल है उसको हटाया जाए. येट देयर वर ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज. कुछ उनके में डिफरेंसेज थे, जैसे कि फोर सम द कंसर्न वर कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम दैट द अपर कास्ट मिडिल क्लास वुमन एंड द मैन फेस्ड. कुछ रिलेटेड थे अपर कास्ट की प्रॉब्लम से, मिडिल क्लास की जो वुमन फेस कर रही थी, जो अपर कास्ट में विडो रीमैरिज को लेकर रिफॉर्म्स चलाए गए, जो अपर कास्ट की जो वुमन थी जो विडो हो चुकी थी उनको रीमैरिज करने के अधिकार मिलना चाहिए, है ना. फॉर द अदर्स दैट इनजस्टिस सफर बाय द डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट वर सेंट्रल क्वेश्चन. और कुछ ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट्स थे जो कि ऐसी कास्ट को लेकर चलाए गए थे जो कि डिस्क्रिमिनेटेड हो रही थी सालों से, जो जैसे कि दलित से उनको लेकर मूवमेंट चलाए जा रहे थे, है ना. फॉर सम सोशल इवल्स हैड इमर्ज बिकॉज ऑफ अ डिक्लाइन ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ हिंदू. और बहुत सारी ऐसी सोशल इवल्स थी जो कि हिंदू कल्चर में थी और जो कि जो रियल हिंदू स्पिरिट है उसको खराब कर रही थी. उनको हटाने के लिए बहुत सारे सोशल मूवमेंट चलाए गए, जैसे कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए, जैसे कि बाल विवाह को हटाने के लिए, सती प्रथा को हटाने के लिए, है ना. लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए इनके लिए कोई काउंटर अटैक नहीं था, है ना, कि या फिर कोई इनके अगेंस्ट नहीं था या सभी लोगों ने इसका साथ दिया, कोई अगेंस्ट नहीं गया, है ना. जैसे कि मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसमें पर्दा सिस्टम को लेकर या फिर पॉलीगैमी सिस्टम को लेकर जो मूवमेंट किया गया उसमें कुछ लोग उनके साथ थे तो कुछ लोग अगेंस्ट भी थे, है ना. और जैसे जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट चलाए, तो उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की. तो जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे जो कि हिंदी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उन्होंने इसके अगेंस्ट धर्म सभा की स्थापना की और उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक पिटिशन डाली कि ये जो लोग हैं ये हमारी जो हिंदू का जो कल्चर है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, है ना. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जरूर कि ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे थे तो ऐसा ही नहीं है कि सब लोग इनके साथ ही थे, लोग इनके अगेंस्ट में भी थे. लेकिन इनको पावर मिल रही किस किस चीज से, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जो न्यू आइडियाज थे लिबरलिज्म के, फ्रीडम के, और क्या था, और जो इनका ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनसे इनको पावर मिली अपने जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको रन करने में, उनको आगे चलाने में. ठीक है. नाउ द डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल चेंजेस. फर्स्ट इज संस्कृताइजेशन. यू ऑल नो अबाउट द संस्कृताइजेशन, है ना. संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को हम 11 से पढ़ते आ रहे, है ना. द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन की टर्म को दिया है. इट मे बी ब्रीफली डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ लो कास्ट और ट्राइब और अदर ग्रुप टेक्स ओवर द कस्टम्स रिचुअल बिलीव्स आइडियोलॉजी एंड स्टाइल ऑफ लाइफ अ हाई एंड अ पर्टिक्यूलर ट्वाइस बोर्न कास्ट.
क्या है संस्कृताइजेशन, व्हेन अ लोअर कास्ट और अ ट्राइब और अ ग्रुप फॉलो कह सकते हैं हम, है ना, और कॉपी भी कह सकते हैं, फॉलो और कॉपी द लाइफ स्टाइल ऑफ द अपर कास्ट, है ना, और ट्वाइस बोर्न कास्ट दैट इज संस्कृताइजेशन। कि जब कोई भी एक लोअर कास्ट या फिर ट्राइबल कास्ट या फिर हम कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में किसी भी अपर कास्ट को फॉलो करता है, उसके लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम संस्कृताइजेशन कहते हैं, है ना। और ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं लोग अपनी कास्ट को चेंज, क्यों करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटेड होते जा रहे हैं इतने सालों से, उनको कहा जा रहा है यू आर पोल्यूटेड, है ना। पोल्यूशन एंड प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो लोअर कास्ट के पीपल हैं दे आर पोल्यूटेड, है ना, अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम, है ना। तो इस वजह से वो ये कह सकते हैं कि ये स्टैम्प हटाने के लिए अपने ऊपर से वो क्या संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इज मैनी साइडेड, इसका जो इम्पैक्ट है संस्कृताइजेशन का हर तरफ हर साइड पे पड़ता है, लाइफ लोग जो पीपल की जो लाइफ होती है, जो लोगों की लाइफ होती है, जो एक जो ग्रुप होता है जो संस्कृताइज करता है अपने आप को, तो उनकी जो पूरी लाइफ है उस पर सभी आस्पेक्ट्स पे संस्कृताइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द लैंग्वेज, लिटरेचर, आइडियोलॉजी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, स्टाइल ऑफ लाइफ एंड रिचुअल्स, इन सब पे पड़ता है। क्योंकि क्या करते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, इससे जो उनकी अपनी लैंग्वेज आइडियोलॉजी जो होती है, जो अपना म्यूजिक, जो उनकी अपनी कल्चर होती है, वो कैसे भी खत्म होने लगती है ना, इन सब चीजों पर संस्कृताइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। और हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट दोनों तरीके का हो सकता है, होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, है ना, क्योंकि संस्कृताइजेशन इज अ पोजिशनल चेंज, नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज, है ना। संस्कृताइजेशन सजेस्ट अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल वॉन्ट टू इम्प्रूव दियर स्टेटस थ्रू अडोप्शन ऑफ नेम्स एंड कस्टम्स ऑफ कल्चरली हाई प्लेस्ड ग्रुप्स। संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सजेस्ट करती है कि जिसके द्वारा लोग अपने जो सोशल स्टेटस हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या करके, अडॉप्शन ऑफ द नेम्स एंड कस्टम ऑफ कल्चरली हाई प्लेस्ड ग्रुप्स, जो कि उनकी रिचुअल्स कस्टम्स को अडॉप्ट करके, जो कि हाई प्लेसेस पे हैं, जिनको कि हम कह रहे हैं कि ट्वाइक बोन कास्ट बोल रहे हैं, या फिर ब्राह्मण्स हैं, या फिर सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कि अपर कास्ट में आते हैं, हाई प्लेस में स्ट्रेटिफिकेशन पे जिनका प्लेस हाई है, जो कि हाई प्लेस पे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू हायरार्की, तो उनके कस्टम्स और नेम्स को फॉलो करने से, संस्कृताइजेशन से उनका स्टेटस कैसा हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इससे जो लोगों का स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, जो लोअर कास्ट है, है ना। द रेफरेंस मॉडल इज यूजली फाइनेंशियली बेटर ऑफ, और जो उनका फाइनेंशियली स्टेटस है वो भी अच्छा हो जाएगा, है ना। हियर वी विल डिस्कस क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन। ओके, तो संस्कृताइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिटिक्ड आर डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरीके से इसको संस्कृताइजेशन को क्रिटिसाइज किया है, है ना, इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो बताई हैं, जो इसमें कमियां हैं वो बताई हैं। वन, इट हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर एग्जग्रेटिंग सोशल मोबिलिटी और द स्कोप ऑफ लोअर कास्ट टू मूव अप द सोशल लेवल। फर्स्टली तो उनका ये कहना है कि जो ये जो संस्कृताइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो लोगों का की सोशल मोबिलिटी है लो टू अप, वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है, वो ऐसा है नहीं जैसा कि दिखाया गया है कि जो लोअर कास्ट है वो सोशल लेडर में ऊपर जो अपर कास्ट को कॉपी करके उनका जो लेवल है वो भी अप हो गया है ना। फॉर इट लीड्स टू नो स्ट्रक्चरल चेंज बट ओनली पोजिशनल चेंज ऑफ सम इंडिविजुअल्स, लेकिन जो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज,
उनका स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है ना, इनिशियली चेंज नहीं है, ये कैसा चेंज है, केवल आउटर चेंज है, पोजिशनली चेंज है ना, वो भी कुछ ही इंडिविजुअल्स का, कुछ ही इंडिविजुअल्स का हम कह सकते हैं कि जिनके पास जो कि थोड़े रिच थे, जिनके पास थोड़े पैसे थे, उनका तो जो सोशल स्टेटस है वो ठीक हो गया, लेकिन जो लोग पुअर थे, गरीब थे, वो एज इट इज ही रह गए, है ना। इन अदर वर्ड्स, इनइक्वालिटी कंटिन्यूज द प्रेजेस थ्रू सम इंडिविजुअल्स मे बी एबल टू इम्प्रूव दियर पोजिशन विद इन द अनइक्वल स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी थी वो तो एज इट इज ही रही, क्योंकि इसमें कुछ लोग, इसमें भी ये हो गया कि कुछ लोग ही एबल हैं अपने स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए, अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए सोसाइटी में, है ना। तो जो इनइक्वालिटी थी वो कहाँ खत्म हुई, वो तो एज इट इज ही रह गई, है ना। जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका कहना ये था कि भाई जो अब संस्कृताइजेशन के थ्रू आप ये कह रहे हैं कि जो कि लोअर कास्ट को अडॉप्ट करके, कल्चर को, उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट में चेंज हो गई है ना, बदल जाती है, तो ऐसा कहाँ है। ऐसा तो कुछ ही लोग जो कि फाइनेंशियली ठीक है, केवल उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन जो सभी लोग हैं जो फाइनेंशियली ठीक नहीं है उनके साथ ऐसा कहाँ हुआ, वो तो एज इट इज ही रह गई, है ना। सेकेंडली, इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट द आइडियोलॉजी ऑफ संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट द वे ऑफ द अपर कास्ट एज अ सुपीरियर एंड दैट ऑफ द लोअर कास्ट एज इन्फीरियर। और सेकेंडली, ये किस चीज को पॉइंट करता है, ये इस विचारधारा की, इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम अपर कास्ट को, हम किसी चीज को फॉलो कब करते हैं, हम किसी भी चीज को फॉलो जब करते हैं जब हमें लगता है कि वो अच्छी है, वो हमसे ज्यादा उसके के पास एफिशिएंसी जो है वो हमसे ज्यादा है, तभी तो हम उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि कि जब हम अपर कास्ट को फॉलो कर रहे हैं तो इट मींस इट इज सुपीरियर, हम इस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपर कास्ट सुपीरियर है लोअर कास्ट से, और लोअर कास्ट को इन्फीरियर फील करा रहे हैं, है ना। Therefore, the desire to intimate the upper caste is seen as natural and desirable. इस वजह से, क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं कि अपर कास्ट तो सुपीरियर है, तो इस वजह से उनकी नकल करना अपर कास्ट की, ये नेचुरल हो गया किसके लिए, और डिजायरेबल भी था किन के लिए, जो लोअर कास्ट के लोग हैं। नेचुरल भी डिजायरेबल क्यों हो गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड हो चुके थे, उनपे इतनी ज्यादा डिसेबिलिटीज को लाद दिया गया था कि ये अब उनके लिए एक नेचुरल थिंग बन चुका था कि वो अपर कास्ट को फॉलो करें, क्योंकि उनके मन में ये चीज थी कि वो सुपीरियर हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है और तो हम भी सुपीरियर बन जाएंगे, है ना। थर्ड, संस्कृताइजेशन सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल दैट रेस्ट ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। थर्डली, जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका कहना यह था कि संस्कृताइजेशन जस्टिफाई करता है इस मॉडल को, जो कि इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन को लेकर चलता है, कास्टिज्म है ना, जिसमें इनइक्वालिटी है, जिसमें सबकी लोग समान नहीं समझा जाता है, ऐसे सिस्टम को जस्टिफाई करता है संस्कृताइजेशन। इट अपेयर्स टू सजेस्ट दैट टू बिलीव इन पोल्यूशन एंड प्योरिटी ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल इज जस्टिफाइबल और ऑल राइट। ये उस सिस्टम को जो कि पोल्यूशन और प्योरिटी पर डिपेंड करता है उसको जस्टिफाई करता है, उसको सही ठहराता है, क्योंकि जो पोल्यूशन और प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे कास्ट सिस्टम में वो कैसा है, जो अपर कास्ट है वो क्या है, वो प्योर है, और जो नीचे कास्ट है, जो लोअर कास्ट है, वो पोल्यूटेड है ना। तो वो इस चीज को जस्टिफाई करता है, तो पोल्यूटेड कास्ट अपने आप को प्योर करना चाहती है किसको फॉलो करके, जो अपर कास्ट है उनको फॉलो करके, ठीक है। Therefore, to be able to look down on some groups just as the upper caste looked down on the lower caste. और इसी को फॉलो करने पर, जो कि संस्कृताइजेशन के थ्रू कास्ट, जो जिनका पोजिशनल चेंज हुआ, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया हुआ माना, ये हम ये नहीं कह सकते इसमें संस्कृताइजेशन में, इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि संस्कृताइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो अपर कास्ट है उन्होंने भी उस कास्ट को चेंज मान लिया, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन जो
जो फॉलो कर रही होती हैं कास्ट, जो लोअर कास्ट हैं, वो तो अपने आप को ये मान ही लेती हैं ना कि हम लोग, हमारा जो पोजिशनल चेंज है उसको वो मान लेती हैं, तो वो भी जो उनसे जो फाइनेंशियली उनसे कम होती हैं जो क्लासेस, जो कास्ट, उनके साथ क्या करती हैं, अपनी ही कास्ट में उनमें अपनी ही कास्ट के लोगों के साथ कैसा बिहेव करती हैं, जैसा कि उनके साथ होता आ रहा था, है ना। जैसे कि अपर कास्ट उनके साथ बिहेवियर करती थी, अब वैसे ही वो लोग भी जो अपने ही लोग हैं, अपने ही कास्ट के लोग हैं, उनके साथ खराब बिहेवियर करने लगे, है ना। फोर्थ सेंस संस्कृताइजेशन रिजल्ट द अडेप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स, इट लीड्स टू प्रैक्टिसेस ऑफ स्कॉल्डिंग गर्ल्स एंड वुमन, अडॉप्टिंग डाउरी प्रैक्टिसेस इंस्टेड ऑफ ब्राइड प्राइस एंड प्रैक्टिसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर ग्रुप्स। और क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी संस्कृताइजेशन के से, कि अब जो लोअर कास्ट थी वो अपर कास्ट को फॉलो कर रही है, तो उसके सारे रिचुअल्स और जो राइट्स हैं उनको भी फॉलो कर रही है। इसके लिए जो गर्ल्स थी, जो वुमन थी, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो डावरी सिस्टम है जो कि अपर कास्ट में चलता था, वो अब जबकि लोअर कास्ट और जब अपर कास्ट को फॉलो कर रही है, तो उसके सभी रिचुअल, सभी जो बातें हैं उनको भी फॉलो कर रही है, तो वो डावरी सिस्टम जो कि जो हम कह सकते हैं कि जो लोअर कास्ट में ब्राइड प्राइस चलता था, वो अब डावरी सिस्टम में चेंज हो गया, है ना। तो उसके लिए जो जो गर्ल्स थी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना, उनके लिए, उनको दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा, है ना। Fifth, the effect of such a trend is that the key characteristic of Dalit culture and society are eroded. और संस्कृताइजेशन का किस पर इम्पैक्ट पड़ा, जो कि एक कह सकते हैं की कैरेक्टरिस्टिक थी दलित कल्चर की, उनकी सोसाइटी की, जो उनकी अपनी कल्चर थी, वो खत्म होने लगी धीरे धीरे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी वर्थ ऑफ लेबर विच लोअर कास्ट डू इज डिग्रेडेड एंड रेंडर्ड शेमफुल, जो कि उनका वर्क था जिससे लोअर कास्ट को जाना जाता था, पहचाना जाता था, अब वो उसको करने में उनको शर्म आने लगी, है ना, वो उसको डिनाय करने लगे, उसे करने से बचने लगे। आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, क्राफ्ट एंड आर्टिशनल एबिलिटीज, नॉलेज फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा आर रिगार्डेड यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एरा। जो जिन हम कह सकते हैं कि जिन की वजह से जो वो पर्टिकुलर कास्ट थी, जिन जिस वर्क की वजह से वो उनको जाना जाता था, चाहे वो क्राफ्ट या आर्टिशनल वर्क हो, है ना, या फिर कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, क्योंकि फोक हीलिंग जो की जाती थी वो की जाती थी ये जो ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग होते थे उनके द्वारा, है ना। एग्रीकल्चर थी, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितने भी जो वर्क थे जो कि लोअर कास्ट के लोग ही करते थे, अब वो यूजलेस होने लगे थे, उनको यूजलेस समझा जाने लगा था। जो इंडस्ट्रियल इरा आ गई थी उसमें इनको, ये जो जितने भी आर्टिशियन क्राफ्ट वर्क थे, इन सबको यूजलेस समझा जाने लगा, है ना। तो उनकी हम कह सकते हैं जो ये कल्चर था, एक वर्क बेस्ड जो एक कास्ट थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी उनकी, है ना। So we can say that संस्कृताइजेशन is a process of positional change only, है ना, not structural change. लेकिन फिर भी जो हम साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो संस्कृताइजेशन है उसकी जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें काफी कल्चरल चेंज आए, क्योंकि कल्चर जो आइडेंटिटी थी किसकी, जो लोअर कास्ट थी उनकी, उन्होंने अपनी कल्चर को रियून करके क्या करा, जो अपर कास्ट की, जो अपर कास्ट के जो रिचुअल्स थे, राइट्स थे, उनको फॉलो करने लगे और उनकी अपनी ही कास्ट सब कास्ट में बदलने लगी, है ना, अपनी ही कास्ट के साथ वो ऐसा बिहेवियर करने लगे जैसा कि उनके साथ पहले होता था, है ना। तो बहुत सारे कल्चरल चेंज थे जो आए, जैसे कि डावरी सिस्टम जो कि पहले किस में नहीं था, अब लोअर कास्ट में नहीं पाया जाता, वहां पे क्या था, ब्राइड प्राइस चलता था, वो खत्म हो गया, डावरी सिस्टम आ गया, है ना, क्योंकि वो अपर कास्ट को फॉलो कर रहे थे। तो ये सारे जो कल्चरल चेंज थे वो संस्कृताइजेशन की वजह से किस में आए, लोअर कास्ट में आए थे। लोअर कास्ट के जो अपने आइडेंटिटी थी, जो वर्क उनकी, उनको वो छोड़ने लगे, उनको करने में उनको शर्म आने लगी, है ना। तो ये सारे चेंजेस संस्कृताइजेशन की वजह से आए, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स रिवाइज इट ओके एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी ओके सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास ओके जय हिंद बाय बाय.